सब्सक्राइब बटन को दबाकर जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम क्लाउड वर्कर एलईडी टीवी स्मार्ट टीवी मैंने जो कि फ्लिपकार्ट से 2 दिन पहले बुक करवाया था दोस्तों, वो मेरे पास आ चुका है। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो निकलते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट में हमें दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 32 इंच की एलईडी स्मार्ट टीवी है जिसको मैंने लिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर उसमें 55 इंच की या 65 इंच की लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इन्होंने हमें नीचे के लिए स्टैंड दे रखा है टीवी को लगाने के लिए टेबल पर, ये 2 हमें मिले हैं, काफ़ी सॉलिड अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं। और अब मैं आपको टीवी दिखा देता हूँ जो हमें मिला है। इसका एक बार मोम जाम उतार लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोडक्ट तो एकदम बढ़िया निकला है, इसमें कोई भी हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आई है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो हिला हुआ नहीं है या डैमेज नहीं है, प्रोडक्ट एकदम बढ़िया निकला है। और आपको मैं इसके बैक करके दिखा देता हूँ कि कैसा पीछे से दिखने में है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले जो हमारी एलईडी आती थी उससे काफ़ी स्लिम है। और नीचे दोस्तों हमारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे ऑडियो वीडियो के, या हमारा पीसी कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों साइड में हमें यूएसबी का ऑप्शन इंसर्ट के लिए दे रखा है और हमारा एचडीएमआई दे रखा है। इसमें एक एचडीएमआई पोर्ट है दोस्तों, बाकी हमारे वीजीए या एनालॉग टीवी का ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल मिला है। इसमें फ़ायदा दोस्तों ये है कि हमारा सुपर रिमोट है, जिसके लिए हमें एक छोटा सा डिवाइस भी मिला है जिसको हम कनेक्ट करके इसको सुपर रिमोट बना सकते हैं, जिससे हमारा जो माउस है वो काफ़ी फास्ट चलेगा जैसे हमारा कंप्यूटर में चलता है। तो दोस्तों इसको हम इंस्टॉल कर चुके हैं, टीवी एलईडी टीवी को इंस्टॉल कर चुके हैं, स्मार्ट टीवी को। और अब हमको मैं बताता हूँ कि इसमें जो रिमोट कंट्रोल है उसमें क्या क्या फंक्शंस दे रखे हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो बेहतर है या लेने के लिए नहीं है, वो हम जानेंगे। तो अब जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए इसके इसमें रिमोट के फीचर्स हैं। मेन जैसे पावर बटन हो गया, म्यूट का ऑप्शन हो गया, इन्होंने पिक्चर मोड दे रखा है, इसमें पिक्चर मोड दे रखा है, साउंड मोड दे रखा है, एस्पेक्ट रेशियो दे रखा है दोस्तों, सोर्स दे रखा है, इसमें एटीवी का ऑप्शन दे रखा है जिससे हम नॉर्मल टीवी देख सकते हैं, जो कि एनालॉग टीवी है वो तो बंद हो चुका है। तो उसके बाद ऑडियो वीडियो का ऑप्शन दे रखा है जिससे हम अपने कुछ भी बूफर या अपना डीटीएच कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एचडीएमआई केबल दे रखी है, एचडीएमआई ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद इसमें दोस्तों नया ऑप्शन दे रखा है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का दोस्तों ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें आप कोई भी चैनल चलते हुए उसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसको क्लिक करते ही। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ये सेटिंग्स का ऑप्शन सीधा आपको एंड्रॉयड ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद इसमें कीवर्ड्स जो है आपके नंबर में वो दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन का दे रखा है और आपको ये ऐप्स का दे रखा है, एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, ये आपका रीसेंट ऐप्स के लिए दे रखा है, ये आपके माउस के लिए दे रखा है जो कि आपका एयर माउस बनाएगा। और इस दोस्तों ये इस्तेमाल तभी होगा जब इसके छोटा सा डिवाइस दे रखा होगा यूएसबी की तरह, उस पर यूएसबी के पोर्ट में हमें इंसर्ट करना होगा, उसके बाद इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद हम बैक जाने के लिए इससे इस्तेमाल करेंगे। बाकी चैनल्स का ऑप्शन दोस्तों आप जानते ही हैं, ये होम का है, ये वॉल्यूम का है, ये इन्होंने डायरेक्टली वाईफाई का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इसे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, कोई भी इंटरनेट से। बाकी दोस्तों यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दे रखा है, म्यूज़िक का दे रखा है, पिक्चर्स का दे रखा है, ये पॉज प्ले रिवाइंड सब दे रखा है, यहाँ सब टाइटल्स का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अगर किसी फिल्म में सब टाइटल्स हैं तो इसे हम यहाँ डायरेक्टली चला सकते हैं। आइडियो का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ये स्लीप टाइम का ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों ये तो कुछ रिमोट के फंक्शंस हो गए जो आपको मैंने दिखाए हैं। उसके बाद दोस्तों इसी फंक्शंस को इस्तेमाल करके आपको मैं टीवी में दिखाऊंगा कि टीवी में क्या क्या इसमें इस्तेमाल हो रहा है।
दोस्तों ये हमारी एलईडी टीवी है जो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ इस कंपनी की ओवा कंपनी की, और इसको मैं अपने डीटीएस सेट टॉप बॉक्स टाटा स्काई से कनेक्ट कर चुका हूँ। और इसमें दोस्तों ने स्पेसिफिकेशन बता रखे हैं इसके, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं इसका बैग दिखा देता हूँ, शॉप क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बैग में ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ये TF कार्ड के लिए दे रखा है, ये USB पोर्ट के लिए दे रखा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों ये USB पोर्ट के लिए दे रखा है। ये हमारा जैक के लिए देख रहा है ताकि हम अपने हेडफोन्स लगा सकें। दोस्तों मैंने HDMI कनेक्ट कर चुका हूँ, HDMI केबल के लिए दे रखा है। ये इन्होंने हमारे AV यानी कि उसके लिए दे रखा है, हमारा एनालॉग TV के लिए। तो उसके बाद दोस्तों उसके नीचे जो फंक्शन है आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। इसके फंक्शन है ऑडियो वीडियो वाले, इसमें हमारे ऑडियो वीडियो का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इंटरनेट के लिए दे रखा है ये ऑप्शन। और दोस्तों इसके बाद हमारा ये PC कनेक्ट करने के लिए दे रखा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के ऑप्शन जो इसमें हमको मिलते हैं दोस्तों। इसके जो स्पीकर्स हैं वो नीचे दिए रखे हैं, ये स्पीकर्स हैं दोस्तों इसके, जबकि हमें कहीं बाकी LEDs में नीचे को थल मिलते हैं, लेकिन इसमें हमको सामने को मिल रखे हैं। और इसको अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ ये कैसे चल। तो दोस्तों आपको मैं चला कर दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे चलेगा। इसको हम अब ऑन करने जा रहा हूँ। इसको मैंने ऑन किया तो हमारे पहले करोवाकर कंपनी का मोनोग्राम यानी लोगो आ जाता है इनका ब्रांड का। और इसके बाद ही हमारा जो है TV स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये हमारे को सेटअप के लिए कह रहा है कि आप सेटअप अपना कनेक्ट करें इससे। तो दोस्तों फिलहाल हम इस पर नहीं जाएंगे, इस पर अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको सीधा एप्लीकेशन है किसके लिए भी, या अपने आप अपने लिए रजिस्टर करना चाहता है तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं अपनी Gmail ID से, वो हम बाद में करेंगे। बिल्कुल मैं आप दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शन हैं दोस्तों। अगर इसमें मैं एंड्रॉयड ऑप्शन पर जाता हूँ, ये लोगों ने बताया था, तो इसमें हमारे सीधा एंड्रॉयड ऑप्शन पर ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये देखो दोस्तों एयरप्ले का ऑप्शन दे रखा है। बेसिकली दोस्तों जो ऑल एप्लीकेशन में एयरप्ले का ऑप्शन है ये हमारा आईफोन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद हमारे ऐप्स मैनेजर में हमारे ऐप्स होते हैं, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों हमारे जो भी ऐप्स हैं इंस्टॉल हैं अनइंस्टॉल हैं डाउनलोड्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। बाकी दोस्तों आप तो फंक्शन जानते हैं, बाकी कुछ एंड्रॉयड ऐप्स हमारे। उसके बाद ये हमारा वायरलेस डिस्प्ले है दोस्तों, ताकि हम मोबाइल्स को सीधा PC के लिए मोबाइल को कनेक्ट कर सकें TV से। और ये हमारे C# उन्होंने सर्वर दे रखा है स्पेशली, इसमें हमको क्या होगा एंड्रॉयड या आपके iOS मोबाइल है उस पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उससे भी हम एक वायरलेस की तरह शेयर कर सकते हैं अपने TV को मोबाइल को एक दूसरे के साथ। बाकी म्यूजिक में मल्टीमीडिया में दोस्तों म्यूजिक दे रखा है। बाकी सेटिंग्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस 8 सेटिंग्स के मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको मैं फंक्शंस दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम पिक्चर मोड जाते हैं तो पिक्चर मोड में हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, या अगर हम सोर्स पे जाते हैं तो सोर्स का ऑप्शन दोस्तों अलग अलग आ रखा है। जैसे HDMI पे है या VGA पे है यानी PC के लिए, या हमारा और ऑडियो वीडियो का ऑप्शन है, या हमारा एनालॉग TV है, तो अलग अलग उन्होंने सोर्स में दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद जैसे हम अपना अगर वैसे मेरा इस टाइम दोस्तों HDMI है तो मैं इस पर HDMI पर चला जाऊँगा। और HDMI पर जाने के वजह से आपको मैं दिखाता हूँ, सेट टॉप बॉक्स मैंने ऑन कर लिया अपने DTS का। और दोस्तों सेट टॉप बॉक्स पर जाने के बाद हमारा क्या होगा आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। पिक्चर मोड दोस्तों देख सकते हैं नीचे आ गया यूज़र लिखा हुआ। इसको हम अलग अलग सेटिंग्स से कलर जैसे हम सेटिंग्स से इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा स्क्रीनशॉट आता है दोस्तों। मैं स्क्रीनशॉट का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए दोस्तों स्क्रीन खींचगी यानी फोटो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। तो दोस्तों ये फंक्शन इसमें दे रखा है स्पेशली एक बटन दबाने पर। बाकी दोस्तों एक्सेप्ट रेशो का ऑप्शन दे रखा है, एक्सेप्ट रेशो हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने साउंड ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। बेसिकली अब यहाँ जाएंगे तो इसे मैं बताना चाहूँगा कि इस पर आप
एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये उन्होंने ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ये वाला वॉल्यूम के, ये वाला नीचे वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सामने दोस्तों ऑप्शन खुल जाता है टीवी सेटिंग्स का। टीवी सेटिंग्स में हम पिक्चर सेटिंग पे जा सकते हैं, साउंड सेटिंग पे जा सकते हैं, टाइम्स का। पिक्चर सेटिंग पे जाएंगे दोस्तों आप कोई भी अपनी तरफ से कंट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गई, कलर हो गया, शार्पनेस, बैकलाइट, उसको अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं अपने टीवी के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी और ये काफ़ी बेहतर है। मैं जब जो कि अभी मुझे पूरा दिन तो चलाया नहीं हुआ है, लेकिन इसको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, आप एक अफोर्डेबल प्राइस में से खरीद सकते हैं अगर आप खरीदने का मन बना चुके हैं। आपको मैं इसमें HD चैनल की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है, देखिए अपनी मैक्स HD चला रखा है मैंने, तो पिक्चर क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।